हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रेंज में हम प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। किसी रेंज में प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका तो ये हो सकता है कि हम हर नंबर को टेस्ट करें कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर 2 गिवन है और उसके बाद फिर अपर रेंज हमारी 200 गिवन है, तो अगर हमें फाइंड करना है कि 2 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे आसान तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, एंड सो ऑन सो फोर्थ, हर एक नंबर को ये टेस्ट करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। लेकिन ये बहुत ही बल्की टास्क है। हमें हर एक नंबर के लिए अंडर रूट 10 तक मिनिमम एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम सीव ऑफ हीरोथिनेस कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए रेंज में प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें ये कहा गया कि हमें 2 से लेके 17 या 1 से लेके 17 तक सभी प्राइम नंबर्स को फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल सा एरे है और ये 18 साइज का एरे है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने 18 साइज का एरे क्यों लिया। सबसे पहले इसके हम सेल्स बना लेते हैं। जीरो सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो हमने 18 साइज का एरे लिया, तो 0 इंडेक्स होगा और 17 इंडेक्स भी होगा 18 साइज के एरे में। चूंकि हमें एरे जो फाइंड जो भी हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं अप टू 17 फाइंड करने हैं, इसलिए मेरे पास 17 इंडेक्स होना चाहिए, इसीलिए हमने 18 साइज का एरे लिया। अब एक काम करते हैं कि इस सेल में या इस एरे में सभी नंबर्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हमने सभी सेल्स को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और इसके बाद हमने 2 ऑनवर्ड्स चेकिंग स्टार्ट किया कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। आपको पता है कि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया प्राइमेबिलिटी टेस्टिंग। सबसे पहले हमने 2 को सेलेक्ट किया और 2 के मल्टीपल्स को डिलीट कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 है तो हमें 4 को डिलीट कर देना है, 6 को डिलीट कर देना है, 8 को डिलीट करना है, 10 को डिलीट करना है, 12 को डिलीट करना है, 14 को डिलीट करना है और 16 को डिलीट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हम 3 को पिक करते हैं और 3 के जितने भी मल्टीपल्स उसको हम डिलीट कर देते हैं। 6 ऑलरेडी डिलीटेड है, 9 को हम डिलीट कर देते हैं, 12 ऑलरेडी डिलीटेड है, हम 15 को डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम 4 के मल्टीपल्स को देखें तो 4 के कोई भी मल्टीपल्स हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 2 के ही मल्टीपल्स होंगे, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। सीव ऑफ हीरोथिनेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंडर रूट 17 तक हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था। अंडर रूट 17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.0 समथिंग, लेकिन हमारे पास इंटीजर वैल्यू इसकी 4 होगी। इसका मतलब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 तक ही करना था। चूंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 तक कर लिया है, तो इसके बाद जो भी नंबर्स हमारे नहीं कटे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है और 17 एक प्राइम नंबर है। ऑब्वियसली जिन नंबर्स हमने डिवाइड किया है, मतलब 2 और 3, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो जो रेंज है उसमें जो प्राइम नंबर्स हमारे आए वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो टारगेट नंबर्स हमारे हैं, इन्हीं को हमें फाइंड करना था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस एरे से कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, इसको हम ध्यान से देखते हैं। कुछ स्टेप्स को हम इसमें से अंडू करते हैं एंड देन हम एक एक करके इस प्रोसेस को पिक करेंगे। फाइन, सो हमने 2 नंबर को सेलेक्ट किया और 2 को 0 रहने दिया। इसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन एरे के सेल्स में 1 कर दिया। तो जो डिलीशन का प्रोसेस है या उस नंबर को क्रॉस करने का जो प्रोसेस है, उसको हम कह सकते हैं कि एरे के सेल में 1 रख रहे हैं, उसी से वो डिलीट हो रहा है। तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे हमारे इसमें से डिलीट हो गए। इसके बाद हमने 3 को पिक किया और 3 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको डिलीट किया। तो 3 के मल्टीपल 6 ऑलरेडी 1 है, 9 पे हमने 1 कर दिया, 12 ऑलरेडी 1 है, 15 पे हमने 1 कर दिया। और चूंकि 4 के मल्टीपल्स हमें मिलेंगे नहीं, हम इसको क्रॉस कर देते हैं या यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद इस एरे को ट्रैवर्स करते हैं 2 ऑनवर्ड्स और जिन जिन सेल्स में 0 वैल्यू है वो वाले इंडेक्सेस जो हैं हमारे टारगेट नंबर्स हैं या वही नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इस केस में जिन सेल्स में 0 है वो 2 है, वो 3 है, वो 5 है, वो 7 है, 11 है, 13
है और 17 है। तो ये सारे के सारे मेरे प्राइम नंबर्स हैं एक रिंग में। तो इस तरह से हमने जो टेस्टिंग किया है वो केवल अंडर रूट टेन तक एक बार प्रोसेस किया और डिवीशन किया उन नंबर्स का जो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं, जो किसी नंबर्स के या किसी प्राइम नंबर के मल्टीपल्स हैं। फाइन, सो जैसे मान लीजिए कि हमें एक नंबर है वो 100 तक हमें ये टेस्ट करना है कि कितने प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 तक। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टास्क नंबर 1 ये होगा कि हमें एक एरे लेना होगा और उस एरे की जो साइज है वो हम 101 डिक्लेयर करेंगे क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स भी मिलेगा और मुझे 100 इंडेक्स चाहिए। इसके बाद दूसरा टास्क क्या है कि ये जो एरे हमारा है उसमें इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यूज को 0 से, सभी वैल्यूज को। तीसरा टास्क क्या है कि हम 2 ऑनवर्ड्स चेक करेंगे, 2 के मल्टीपल्स को पहले डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद 3 के मल्टीपल्स को डिलीट करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट हम नंबर पिक करेंगे डिलीशन करने के लिए वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। लेकिन इस टास्क को करते समय हम थोड़ी सी सावधानी का या थोड़ा सा लॉजिक का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने 2 के सारे मल्टीपल्स को हटा दिया, तो इसके बाद जो नंबर्स हमारे होंगे उनमें 2 का कोई मल्टीपल नहीं होगा। तो 2 के बाद 4 को टेस्ट करना या 6 को टेस्ट करना या 8 को टेस्ट करना जरूरी ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 चेक करते हैं, 5 के मल्टीपल्स चेक करते हैं, 7 के मल्टीपल्स चेक कर लेंगे, 9 के मल्टीपल चेक कर लेंगे एंड अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो 10 का भी मल्टीपल नहीं होगा, तो 10 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम हर दूसरे नंबर को चेक करेंगे या हर ऑड नंबर को चेक करेंगे जो कि लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 100 हो। तो हम सबसे पहले 3 के मल्टीपल चेक करें, देन 5 के, देन 7 के, देन 9 के। इस तरह से हमें अंडर रूट एन मतलब अंडर रूट 100 मतलब कि 10 से जो छोटे या उसके इक्वल नंबर्स होंगे उन्हीं के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल्स को हटा देंगे। 2 के मल्टीपल्स को हटाने के बाद हम ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स चेक करेंगे, इवन नंबर के मल्टीपल्स हम चेक नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम काफी अपना एफर्ट सेव कर सकते हैं। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। तो ये छोटा सा मेरा प्रोग्राम है एक प्राइम नंबर को रेंज में फाइंड करने के लिए। अभी हम 100 तक फाइंड कर रहे हैं। आपको जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा प्राइम का एरे ले लीजिएगा। तो मान लीजिए कि प्राइम एक एरे है मेरा और इसके एलिमेंट्स को 0 इनिशियलाइज कर लिया है हमने। पहले एलिमेंट को 0 इनिशियलाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी एलिमेंट्स 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। सो दिस इनिशियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन इनिशियलाइज्ड टू 0, बट दिस इनिशियलाइजेशन मीन्स दैट फर्स्ट एलिमेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 0 एंड द अदर एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन इनिशियलाइज्ड टू 0। बाय डिफॉल्ट दे विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0। इसके बाद हमने एक आई की वैल्यू 2 लिया है। इस आई इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है कि जो पहला हमारा डिवाइजर है वो 2 होगा या पहला जो मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं वो 2 का मल्टीपल चेक होगा। उसके बाद हमने अगर हमने 2 नंबर को पिक किया तो 2 हमारा सेलेक्टेड होगा प्राइम नंबर में। हमें डिविजिबिलिटी 4 ऑनवर्ड्स चेक करनी है या फिर हमें उन नंबर्स को डिलीट करना, उन मल्टीपल्स को डिलीट करना जो 4 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक लूप चलाया जे इक्वल्स टू आई प्लस 2 मतलब कि 4 से लेके और लेस देन और इक्वल टू 100 तक, क्योंकि 100 मेरा अपर लिमिट है। और हम हर बार 2 2 इंक्रीमेंट करते गए। अगर हम 2 ले रहे हैं 4 अभी ले रहे हैं तो नेक्स्ट 6 लेंगे, नेक्स्ट 8 लेंगे, नेक्स्ट 10 लेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और प्राइम एरे में जे इंडेक्स पे 1 सेट कर देंगे। इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा डिलीट हो गया। इस नंबर के बाद अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट नंबर हम जो पिक करते हैं जिसके मल्टीपल्स हम चेक करेंगे वो 3 होगा। सो अभी हम 3 को पिक कर लेते हैं। आई की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि हम 3 के मल्टीपल्स को पिक कर रहे हैं। उसके बाद हम 3 के सारे मल्टीपल्स को डिलीट करेंगे। तो 3 का जो मल्टीपल हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो 3 × 2 मतलब 6 होगा। तो 3 सेलेक्ट हो गया हमारा, 3 के पोजिशन पर 0 ही रहेगा, लेकिन 6 ऑनवर्ड्स हम प्राइम एरे में 1 सेट करेंगे। तो हमने पहले 6 को पिक किया और 6 को पिक करने के बाद हमने प्राइम एट 6 पोजीशन को 1 कर दिया। सिमिलरली प्राइम एट 9 पोजीशन को 1 कर देंगे, फिर प्राइम एट 12 पोजीशन को 1 कर देंगे। तो जो इंक्रीमेंट है अगर आप ध्यान से देखें तो जे इक्वल टू जे प्लस आई है। जो भी हमने पहला नंबर स्टार्ट किया है प्लस आई, अगर हमने 3 को सेलेक्ट किया है तो जे 3 3 3 3 आगे बढ़ेगा। अगर हमने 5 को सेलेक्ट किया है तो जे 5 5 5 5 आगे बढ़ेगा। अगर हमने जे को 7 सेलेक्ट किया है तो जे प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इस तरह से आगे बढ़ेगा और जो जे की अपर लिमिट होगी वो 100 होगी। साथ ही साथ आई हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए वो केवल हमें अंडर रूट टेन तक सेलेक्ट करना चाहिए। तो अंडर रूट टेन तक सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमें आई डिवाइड आई इंटू आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। इसका सिंपल मीनिंग यही कि आई इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 100। तो आप इसको बाहर भी सेट कर सकते हैं या आई इक्वल टू अंडर रूट 100
या फिर आप यहां सेट कर सकते हैं आई इंटू आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, दोनों बातें सेम है। तो हमने सारे जो मल्टीपल्स हैं प्राइम नंबर्स के या स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स के अंडर रूट एन तक सभी के मल्टीपल्स को डिलीट कर दिया है। उसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो हमने 2 से लेके 100 तक ट्रैवर्स किया एरे को, और अगर प्राइम एरे में किसी इंडेक्स पे आईथ इंडेक्स पे 0, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 100 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 97 है। अगर आपको और ज्यादा बड़े नंबर्स के लिए टेस्ट करना है तो आप फिर से इसमें एरे की साइज या प्राइम नंबर की साइज बढ़ा सकते हैं। आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, उसी साइज का एरे बना लीजिए, एंड इस तरह से आप एक रेंज में प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने सी ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हमारा टास्क काफी आसान हो गया एक रेंज में प्राइम नंबर फाइंड करने का। तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो इस प्रोग्राम को, थोड़ा सा जनरलाइज करना है, तो आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम अगेन विद सम न्यू कॉन्सेप्ट।